दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आगे बढ़ते हुए 5 मैचों की T20 सीरीज में चौथे मुकाबले पर पहुंच गई हैं और दोनों टीमों के बीच चौथा मुकाबला आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लगातार दो मुकाबले जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है और भारतीय टीम चौथा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल कर सीरीज को 2-2 से बराबरी करने की कोशिश में होगी। ऐसे में दोनों ही टीमें अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें आज की पिच रिपोर्ट की, तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा स्लो रहती है और स्पिनर्स के लिए काफ़ी मददगार होती है। हालांकि नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलने का अनुमान रहता है, लेकिन स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न हासिल होती है। वहीं शाम के मैच में ओस दूसरी पारी पर अपना किरदार निभाती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि ओस से गेंद गेली हो जाने के बाद बैटिंग काफ़ी आसान हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें आज के मैच प्रिडिक्शन की, तो गुवाहाटी में खेले गए तीसरे T20 में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 222 रन बनाए थे। हालांकि टीम के गेंदबाज उसे डिफेंड करने में नाकाम रहे थे, लेकिन सीरीज के पिछले तीनों ही मैचों में टीम इंडिया जिस तरह के फॉर्म में दिखी है, उसे देखकर हमारा प्रिडिक्शन मीटर यही कहता है कि भारतीय टीम चौथा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेगी। बाकी दोस्तों इस पे आप लोग की क्या राय है या कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।